मैं प्रशांत पाराशर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटघोरा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अंतर्गत जन चेतना अभियान हेतु गुटखा के बैन एवं सौपा औषधि एवं मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों को बताने हेतु निर्देशित किया गया हूँ। हमारे राज्य में गुटखा को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। अब कोई व्यक्ति गुटखा का विक्रय नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति गुटखा का विक्रय करता हुआ पाया जाता है तो वह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों अंतर्गत दंडित किया जाएगा। इस हेतु हमारी सरकार प्रायः देख रही थी कि युवा वर्ग बच्चे इसको गुटखा खाने से काफ़ी स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था और सरकार के पास अनुच्छेद 37 संविधान अंतर्गत यह शक्तियाँ हैं कि वह अपने लोगों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे और इसी के अंतर्गत उसने हमारे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 को लागू कर लोगों को गुटखा से पड़ने वाले स्वास्थ्य पर जो असर पड़ रहा था उससे रोकथाम हेतु गुटखा को बैन किया। इसी तरह से स्वापक औषधि एवं मानक प्रभावी पदार्थ अधिनियम अंतर्गत स्वापक औषधियों को भी क्रय विक्रय अपने कब्जे में रखना आवागमन करना इसको रोकथाम किया। इस हेतु यदि कोई व्यक्ति स्वापक औषधि या मनोप्रभावी पदार्थ का अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह दंडित किया जाएगा। स्वापक औषधि क्या होती है इसका वर्णन धारा 2 में किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि कोका की पत्तियां, अफीम, गांजा और इनके उत्पन्न तथा भांग जो कि कैनबिस से प्राप्त होती है उसके संबंध में यदि कोई अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा तो वह धारा 15 से 32 के प्रावधानों अंतर्गत दंडित किया जाएगा। और कोई व्यक्ति इन स्वापक पदार्थों का सेवन करता है तो वह धारा 27 के अंतर्गत दंडित होगा। इसी कड़ी में यदि कोई व्यक्ति गांजा का प्रयोग करता है तो गांजा भी स्वापक औषधि के अंतर्गत आता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति गांजा का उपयोग करता है तो वह धारा 27 के अंदर दंडित होगा। और यदि कोई व्यक्ति कोडीन का सेवन करता है, यदि कफ सिरप में कोडीन का सेवन किया जाता है तो वह भी धारा 27 के प्रावधान अंतर्गत दंडित होगा। धारा 27 में 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान है। यह जुर्माना 20,000 रुपये तक हो सकता है या वह व्यक्ति दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन पदार्थों के सेवन से बचें। धन्यवाद। जय हिंद।